यार मैं जस्ट अभी असम के मजौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके आया था। अब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शादी थी, शादी के बाद टाइम बचा, टाइम बचने की वजह से हम थोड़ा घूमने की सोचिए। मजौली पहुंचने के लिए सबसे पहले बोट लेनी पड़ती है या फिर यूँ कहीं फेरी लेनी पड़ती है, तो हमने गलती से एक प्राइवेट फेरी ले ली। प्राइवेट फेरी सस्ती तो है लेकिन इतनी भीड़ है कि एक एक इंच के अंदर एक एक बाइक खड़ी की है। इंसान के खड़े होने के लिए जगह बिल्कुल नहीं, बस आप इस आदमी को देख के समझ सकते हैं। गवर्नमेंट बोट भी थी लेकिन वो एक घंटे बाद चलने वाली थी, और अगर आपको पता नहीं है तो 4:30 बजे मजौली के अंदर फेरी सर्विस बंद हो जाती है, तो अगर हम लेट चलेंगे तो वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे, और हमारे पास एक ही दिन था। तो खैर मरते पड़ते हम पहुँच तो गए वहाँ पर। वहाँ पर जाके हमने एक आदमी से बात किया, भैया हमको यहाँ यहाँ घूमना है। उसने बोला यहाँ घुमा देंगे, उसने रेट बताया, हमने रेट एक्सेप्ट किया, तो बोला चलो आ जाओ। हम चल पड़े उसके पीछे पीछे, पर वहाँ पर जाके हमको मालूम चला यार इसके पास तो टाटा सुमो है। हमने डिस्कस किया टाटा सुमो है, टाटा सुमो के अंदर एसी नहीं होता, बहुत पुरानी गाड़ी, हिलती डुलती है। तो हमने थोड़ा सा विचार किया, उसके बाद हम बैठ गए टाटा सुमो के अंदर। टाटा सुमो के अंदर बैठ के मुझे मालूम चला यार सही बोला, टाटा सुमो के अंदर बैठे हैं तो फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट है मजौली डिस्ट्रिक्ट अभी नया नया बना है, तो वहाँ पर फंडिंग की अभी काफ़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से रोड अभी बने नहीं है। रोड बने नहीं है तो वहाँ पर बहुत सारी ऑफ रोडिंग ट्रैक वैसे ही नेचुरली बनी हुई है, तो अगर कार लेते तो हमको पूरा लॉन्ग रूट वहाँ दूर से घूम के आना पड़ता है। यहाँ पर हम शॉर्टकट मार के ऑफ रोडिंग के रोड से हम फटाफट गांव के बीच से, जहाँ पर एक इंसान ने टेंट लगाया हुआ था, टेंट क्यों लगाया था, उसके बेटे की शादी थी, शादी के लिए उन्होंने टेंट को एक्सटेंड किया था, तो ये भाई साहब फटाफट गए। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको यहाँ हटाना पड़ेगा, कोई एमरजेंसी गाड़ी आएगी, एम्बुलेंस आएगा, वो हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने खंभा उखाड़ के निकाल के साइड में रख दिया और हमारी गाड़ी को निकाल लिया हमने। उसके बाद खंभा वापस हमने खुद लगा लिया, उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया, फिर चलते रहे। तो चलते चलते मुझे ये याद आया कि यार गाड़ी तो है टाटा सुमो, इतनी पुरानी गाड़ी है, 2003 का मॉडल था, गाड़ी के अंदर एसी नहीं है, लेकिन हमको गर्मी लग नहीं रही थी क्योंकि मजौली डिस्ट्रिक्ट वैसे ही काफ़ी ठंडा डिस्ट्रिक्ट है। तो खैर गर्मी तो लगी नहीं, पावर स्टीयरिंग गाड़ी के अंदर था नहीं, तो गाड़ी स्लो स्लो चल रही, धीरे चल रही थी, हम मजा लेते जा रहे थे। मजौली के बारे में हमको पता नहीं है, तो मजौली के अंदर थोड़ी फंडिंग आ जाए, थोड़ा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाए, तो बाली उससे भी पीछे रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर है, और खाना खाना तो क्या सस्ता सस्ता, नॉन वेज वेज दोनों खाना है और काफ़ी सस्ता है, और लोग खासकर काफ़ी अच्छे हैं, टूरिस्ट फ्रेंडली लोग हैं। तो खैर गाड़ी के बारे में बात करते हैं, टाटा सुमो के बारे में बात करते हैं। देखिए टाटा सुमो का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि इतने सारे ऑफ रोडिंग ट्रैक थे, गाड़ी रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से हम कहीं पर भी चले गए, हम कहीं जंगल के अंदर भी गए, तो रिजॉर्ट, हाँ लॉकडाउन के बाद हम गए थे तो रिजॉर्ट काफ़ी खुले हुए थे, काफ़ी बंद थे, तो जो बंद थे उनको छोड़ दिया हमें, जो खुले थे वहाँ जाके हमें देखा, काफ़ी अच्छी जगह थी, और ये टाटा सुमो में हम जा पाए वहाँ तक। खैर कार भी जा पाती, जो एक्सपर्ट ड्राइवर वो कार को भी लेके जा पाता, लेकिन टाटा सुमो के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में किसी और, तो उसी इस वीडियो में किसी और गाड़ी के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि टाटा सुमो पुरानी गाड़ी उठा के उसको कमर्शियल पर्पज़ के तौर पर यूज़ किया जाए, तो कर सकते हैं, लेकिन आपको टाटा सुमो इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी रिलायबल गाड़ी थी हमारे टाइम की, और जिन लोगों के पास अभी गाड़ी है वो अभी भी उस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी की पावर अच्छी है, पावर स्टीयरिंग नहीं है लेकिन गाड़ी की पावर फिर भी काफ़ी अच्छी है। बस थोड़े से आफ्टर मार्केट सीट कवर चेंज करवाने हैं, एक स्टीरियो लगवाना है, एक एसी लगवाना है, पावर स्टीयरिंग भी आफ्टर मार्केट लग जाता है आज के टाइम पे तो, और थोड़े से स्टिकर विक्कर लगा के गाड़ी को थोड़ा मस्त बना के गाड़ी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल 2Panther पे अपलोड करने वाला हूँ जल्द ही, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जब भी वो लॉन्च होगी, जब भी अपलोड होगी तब आपको मिल जाएगी। खैर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हाँ टाटा सुमो के बारे में बात करते हैं, टाटा सुमो आज के टाइम पर भी काफ़ी बेहतरीन गाड़ी मुझे लगती है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं आता है, जैसे बोलेरो के अंदर आज के टाइम में थोड़े बहुत ABS एयरबैग आते हैं, उस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं आता है, तो गाड़ी में ख़राब होने के लिए कुछ भी है नहीं। स्लो स्पीड में चलाइए, बॉडी रोल का मज़ा लीजिए, और लोड लगा के, लोड डाल के आप ले लद्दाख घूमने जा सकते हैं टाटा सुमो के अंदर। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर एंड बाय बाय।